हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है। एक्चुअली आज मैं वर्क कर रहा था तो मुझे टैली से पुराने डेटा में से कुछ डिटेल्स चाहिए थे अपने क्लाइंट से। तो मैंने देखा कि अभी उसका पासवर्ड डाला हुआ है और पुराने डेटा का पासवर्ड अलग है और मुझे पासवर्ड याद नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने उसके बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि पासवर्ड को हम चेंज मतलब तोड़ के मतलब बिना पासवर्ड के भी डेटा ओपन कर सकते हैं। तो मैंने आज का वीडियो उसके ऊपर बनाया है कि कैसे हम अगर डेटा में पासवर्ड डालते हैं और वो पासवर्ड अगर हम भूल जाते हैं, अक्सर हम भूल जाते हैं अगर ज़्यादा दिन के ओपन करें तो उसके आईडी और पासवर्ड, तो वो चीज़ भी रिकवर मतलब रिकवर तो नहीं बोल सकते बट वो डेटा हमें वापस से मिल सकता है विदाउट आईडी और पासवर्ड के। वो कैसे हो जानेंगे वीडियो में। और ये बात बता दूं कि टैली अगर आप कस्टमर केयर में भी बात करेंगे तो भी वो आपको इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन लेने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो पे। आते हैं टैली पे, हम जाते हैं टैली के पाथ पे। यहाँ पे मैं अपना टैली का जो पाथ है वो डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो ये पुराना डेटा है, हमारे कस्टमर का नाम है रितेश मेटल एंड वर्क्स, उनकी कंपनी का है। यहाँ पे ये आईडी और पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहे हैं। तो मेरे पास इनका यूज़र नेम और पासवर्ड तो है बट करंट जो पासवर्ड यूज़र नेम है वो इससे मैच नहीं हो रहा। आई थिंक पिछली बार का जो था वो डिफरेंट था और ये डेटा में हमने इसे चेंज कर दिया। तो अब पुराना डेटा भी मुझे वापस से चाहिए था, मुझे इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा ये कौन सी कंपनी का फोल्डर है इनका। 2007 आते हैं डेटा पे। 2007 ओके, ये कंपनी है, ये तो पता चल गई। अब मैं एक और कंपनी बनानी होगी जो कि मैंने पहले से क्रिएट करके रखी हुई है, वो एबीसी। अब देखिए एबीसी लिमिटेड कंपनी का मैंने एक ऐसी कंपनी बनाई है। तो ये देखिए ये कंपनी का मैंने डेटा बनाया है और अब इसमें हम चलते हैं सेल्स। इसमें कुछ भी सेल्स नहीं है, मैं 2007 से लेकर 2019 तक का दिखा रहा हूँ, कोई सेल्स नहीं है और इसमें कोई डेटा नहीं है। ये जस्ट मैंने बनाई है कंपनी दिखाने के लिए कि इसमें से हम कैसे लाएंगे। ये मैंने एक सैम्पल ही अभी छोटे मोटे एंट्री से देखने के लिए कि कंपनी वर्क करेगा दिखाने के लिए। आते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या है, डेटा पे आते हैं। ये हमारी कंपनी जिसका पासवर्ड हमें पता नहीं है और इस एबीसी कंपनी का फोल्डर है 1410, सॉरी 1005, 1005 ये है डेटा। इसमें से हमें कंपनी डॉट 900 कॉपी करना है, ये कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके बैक आते हैं और 2007 यही का यहाँ पे आ गया। हमें इसे पेस्ट कर देना है, कॉपी एंड रिप्लेस कर देना है। ओके तो फंडा तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्त, अगर कंपनी का नाम ही चेंज हो जाए कंपनी की सारी डिटेल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो खाली कंपनी का नाम जो है, जो हमने कंपनी का रखा है वो चेंज होगा, बाकी डिटेल्स में कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे अब हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, टैली बंद कर देते हैं फिर चालू करते हैं। तो अब बताते हैं टैली हमने चालू किया है और जाएंगे डेटा फोल्डर पर कंपनी में। यहाँ पर मेरा ओल्ड डेटा का जो फोल्डर है वो ये है। देखिए इस पे एक 2007 नाम की एक कंपनी आ गई है और यहाँ से रितेश मेटल कंपनी हट गई है, एबीसी नाम कंपनी का हो गया। देखिए अब हम इसे डायरेक्ट ओपन करेंगे तो इसमें कुछ सेल्स के फाइल मुझे दिखेंगे नहीं। देखिए जैसे मैंने इसको चेक किया, इसमें सेल्स जा रहा हूँ तो सेल्स के फाइल तो मुझे दिख रहे हैं। ये देखिए ये सेल्स के फाइल दिख रहे हैं और अभी मैं इसे ओपन करूँगा तो ओपन नहीं हो रहा है। मैं कितना भी चेक करना चाहूँ अंदर से ओपन नहीं हो रहा, मतलब कुछ जो डिटेल्स है वो पूरी तरह से नहीं दिख रही। तो अब हमें इस कंपनी को नॉर्मल कंडीशन में लाना, जैसे पहले इसके डेटा थे। उसके लिए हमें इसमें करना पड़ेगा
इसको रिवराइट करना पड़ेगा, आप तो जानते ही, रिवराइट करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट आर प्रेस करेंगे, सॉरी कंट्रोल ऑल्ट आर प्रेस करेंगे और वही डेटा को सेलेक्ट करेंगे और उस पर टकाएंगे। यहाँ पे रिवर्ट पे पूछेंगे हम, यस करेंगे, बैकअप मुझे नहीं चाहिए, नो कर दिया। अब ये रिवराइट हो रही है, थोड़ा टाइम ले रही है डेटा, इतनी ज़्यादा। ठीक है, और ये हो गया रिवर्ट। अब चलते हैं हम कंपनी के सेल्स पे, देखिए अक्टूबर तक का इसमें डिटेल है। देखिए यहाँ पे जो भी है सब डिटेल दिख रहा है, कोई भी फाइल आप देख लीजिए, सारा डिटेल डेटा मुझे वापस से मिल गया। मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ, ये देखिए सारे डिटेल्स आ गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने डेटा का अगर पासवर्ड भूल जाते हैं, अब उस कंपनी का फॉर्म का आप खाली नाम जिस तरीके से मैंने बताया आपको, उस तरीके से आप चेंज करके आप उसे वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। अगर ऐसे ये 100% वर्क करता है, जेन्युइन है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। और अगर आप इस कहीं यहाँ पे फंसते हैं तो आप किसी, अगर कोई और फंसता है तो उसे भी आप हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय।